गुना की कुसमौदा वार्ड नंबर 20 नगाड़ा कॉलोनी में 4 जुलाई को जनसंघर्ष समिति के लोगों ने वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं जानी। वार्डवासी व्यक्तियों ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में बताया गया कि वर्षों से इस वार्ड के अंदर की रोड की हालत बेहाल है, ना ही स्ट्रीट लाइट है। गर्मी के मौसम में रोड पर लगभग 1 से 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। बरसात के मौसम में रोड के क्या हालात हो सकते हैं? इसके अलावा लाइट के खंभे तो लगे हैं, पर उन खंभों पर लाइट नहीं लगी हुई है। साथ ही लोगों को सर्व सुविधा स्वच्छता अभियान के तहत शासकीय शौचालय भी बनाकर नहीं दिए गए। जो शौचालय बनाए गए हैं वो भी लगभग खत्म हो गए हैं। वार्ड की महिलाओं और पुरुषों को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं राज्य शासन और जिला प्रशासन के द्वारा मिलने वाले शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाढ़ के अंदर वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही ना तो लोगों के पास गरीबी रेखा के कार्ड है, ना ही राशन कार्ड। इन तमाम सारी समस्याओं के निराकरण के लिए जनसंघर्ष समिति के द्वारा बैठक आयोजित की गई। इसमें 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें देवेंद्र यादव को वार्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के साथ 11 लोगों की वार्ड समिति जनसंघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में जिला संयोजक योगेंद्र शर्मा, संयोजक समिति के प्रमुख साथी विष्णु झा, जावेद खान उपस्थित थे। और सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध रहा है कि इस बस्ती में एक RCC डल जाए, रोड डल जाए, तो बच्चे बूढ़े जो भी महिलाएं आती हैं जाती हैं इस कीचड़ में फंसे नहीं, क्योंकि जो भी बच्चे जाते हैं वो फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं। और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, उसकी वजह से कोई देख भी नहीं पाता, क्योंकि खट्टे इतने हैं इस बस्ती में जो कि गाड़ी भी नहीं निकल पाती, और अगर निकलती भी है तो वो फिसल जाती है। जिसमें अपने बच्चे बैठे रहते हैं, माताएँ बैठी रहती हैं, वो गिर जाते हैं कभी कभी। और एक बार तो मैं ही गाड़ी लेकर जा रहा था तो मेरी गाड़ी फिसल गई, मेरी मम्मी भी बैठी थी तो वो भी गिर गई, तो उनके बहुत सारी चोट भी आई पैर में, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। और मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि इस नगर पालिका परिषद से कलेक्टर साहिबा से कुसमौदा की नगाड़ा कॉलोनी के अंतर्गत आता है। यहाँ तमाम सारे लोग लगभग 450-450 लोगों की घर की बस्ती है। पिछले लगातार 2 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण हो जाए, परंतु सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। आज हम लोगों ने जनसंघर्ष समिति की यहाँ बैठक रखी थी और जनसंघर्ष समिति की बैठक में यहाँ की थीम बनाई गई है। और जनसंघर्ष समिति मीडिया के माध्यम से ये मांग करना चाह रही है जिला कलेक्टर महोदय से और CMO महोदय से कि यहाँ पे एक तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अर्जेंट कराई जाए, दूसरा ये सड़क में सड़क नहीं बन पा रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये पानी भरा हुआ जो आप देख रहे हो इस पर तो रोक लगाई जाए।